अब ये कौन आ गया यार? पिज्जा मैं लेके आती हूँ। अरे यार मेरी बात सुने यार, क्या पिज्जा? निकी तू तो दो दिन बाद आने वाली थी ना, फिर चल कोई नहीं आ, मैंने शिवम को बुला दिया था, आई थॉट कि तू परसों आएगी। क्या क्या हुआ? अरे कहाँ कुतुब मीनार से घर ले रखा है तुम लोगों ने, हैं? चढ़ते चढ़ते घुटने दुख गए हमारे तो। नमस्कार बेटा, कैसी है तू? कुछ खाती नहीं है, सूख गई बिल्कुल, हैं? ये लड़का कौन है? पापा ये वो पापा ये ना वो क्या कहते हैं उसे, अंकल भाई है मेरा, भाई है, भाई है। मुझे लगा शहर में रहकर लड़कियां बिगड़ गई हैं। आइए अंकल, आइए अंकल। ये चेतन कहाँ रह गया? अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कल आ रहा हूँ ना ऑफिस में। क्या आज से पहले कभी कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया है? ये भी नहीं जाएगा सर, आप बस। क्या देख रहा है? शिवम, ये मेरे भैया है चेतन भैया, और भैया ये शिवम है आकांक्षा का भाई। भाई हो तुम? अरे आओ आओ। आप शिवम भाई क्या करते हैं आप? पीछे के पे चेप पंतो, टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्यों? अरे ये तो बहुत बढ़िया। अरे हाथ मिलाओ हाथ, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गूगल में, मैं क्या करूँ? अच्छा आकांक्षा जी क्या करती है? क्यों तो हो गया लेना? नहीं नहीं वो तो बस ऐसे ही जनरली। अच्छा बात सुनो, अब जैसे कि आगे जाके उनकी पढ़ाई तो पूरी हो ही जाएगी, तो क्या सोचा एक भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए? मुंह तोड़ दूंगा अगर आकांक्षा के बारे में कुछ भी उल्टा सोचा तो साले जान से मार दूंगा। सब समझता हूँ, तो मेरी भी तो बहन है, हम सब भाई अपनी बहनों को लेकर कितने प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी शादी तो होगी कभी ना कभी किसी ना किसी से, है ना? तो तुम लोगों का अच्छा बना है, लेकिन तुम लोगों को खाने पीने को नहीं देते क्या? कितनी सूख गई हो तुम दोनों के दोनों, है? नहीं आंटी ऐसा नहीं है, आप बिस्किट्स लीजिए ना। मैं तो ले ही रही हूँ। ये क्या है, ये क्या है बेटा? क्या ये? पापा, अंकल मेरा है। क्या बेटा? एक्चुअली आंटी वो प्रोजेक्ट के लिए लेके आई थी, मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह करना था पैकेजिंग के ऊपर, तो अल्कोहल ब्रांड्स इन इंडिया, तो रिसर्च के लिए लेके आई थी। खाली थी, हमने खाली नहीं की, खाली थी ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, हमें लगा कहीं हमारी लड़कियां दिल्ली जाके बिगड़ तो नहीं गई। अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? IIT कानपुर से पास आउट हूँ मैं, गूगल कंपनी में जॉब भी करता हूँ, 4 लाख रुपए कमाता हूँ मैं, ऐसा तो मेरा भी 3.5 लाख का पैकेज है, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी के भी घर पे जाकर किसी भी। मंथली महीने का 4 लाख, मतलब साल का इनटू 48 लाख, 48 लाख ओनली। अब तो करोगे ना तुम अपने मॉम डैड से बात इस शादी के लिए? पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज प्यार होती है, प्यार होना चाहिए। क्या बकचोदी है ये? नहीं, इसलिए बुलाया था मेरे को यार, बोलो निक्की को छोड़ने आए, मुझे भी नहीं पता था, आई एम सो सॉरी, अभी चले जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी के नाम ये कौन है? अभी अभी जब मैं लेके आती हूं। मेरी बात सुन यार। कैसा लगा सरप्राइज? पापा पापा बेटे ये छोरा कौन है? पापा वो ये अंकल आंटी, भाई भाई पापा भाई है। ये
भाई साहब कुछ भी कहो, आपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दिए। जी भगवान ऐसी ना लायक औलाद किसी को भी ना दे। हम सब खड़े क्यों है? है ना पापा, आइए आइए बैठते हैं, आइए मामा आइए। सॉलिड फंस गए यार। यार कुछ भी करके मम्मी पापा को यहाँ से भेजना पड़ेगा। सोच जल्दी सोच के कर सकते हैं। रखा हुआ है पता ही नहीं होगा बच्चों का सब बस। क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं बहन जी, क्या कह रहे हो मुझे बताओ ना। वो कुछ नहीं, वो आपकी बेटी है ना कांक्षा। भाई साहब बेटी शानी हुई पीछे है, उसे दिल्ली जैसे शहर में अकेला छोड़ना जिगरा चाहिए जिगरा। सही कह रहे हो आप। अब निक्की को देख लो, उसके लिए रिश्ते की बात चलाई थी एक जगह। क्या हुआ फिर पता लगा कि भाई कॉलेज को लड़का उसे पसंद आ गया? भाई साहब बुरा ना मानियो, और अगर मारी चोरी होती ना ऐसा कुछ कर देती, सबसे पहला तो उसके मारे हैं, अगर उसके बाद उस छोरे के पूरे कुंडबे ने खत्म कर देते। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं अंकल जी, कुछ नहीं। तो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे आजकल तो मतलब ये नॉर्मल है, लड़का लड़की एक दूसरे को जैसे पसंद कर लेते हैं, तो आप मतलब देखो बेटे, हम हैं गांव के सीधे साधे आदमी, ठीक है, और हमारे खातर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी इज्जत, और हम नहीं देख सकते अपनी छोरी ने उनकी 20-25 हज़ार कमाने वाले लंडूर के गैर अपनी जिंदगी खराब करते। इससे बढ़िया हम पहला ही केस खत्म कर दें। अब गलत कह रहा हूँ भाई साहब? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूँ एक मिनट। अरे शिवम बेटा, घर में कुछ मीठा रखा ले आ। एक खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या खुशखबरी है, मैं भी सुना दो। सुनाते हैं सुनाते हैं। नहीं कहाँ बैठूँ मैं, इधर बैठो बैठो बैठो। हाँ इधर आ जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि लो मिठाई खाओ। खुशी और उल्लास का माहौल है। और निक्की देखो एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो, तेरे भाई से ज्यादा आदमखोर हफसी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर हमने भी इंजीनियरिंग की है, हमने भी कम लड़कियों वाला टाइम देखा है, पर इस लेवल की डेस्पिरेशन तो हमने आज तक नहीं आई। साला आज लड़की से मिला और उसको आज ही शादी करनी है। जिस टाइम से घर के अंदर आया उस टाइम से दुद्ध की तरह उसको देखे जा रहा है, जैसे इसके चेहरे पे लिखा है कि ऑफर वैलिड टिल टुनाइट। निक्की बेटा, हां जी पापा जी आई। चलो चलो चलो, मुहूर्त मुहूर्त निकाल लिया होगा, सगाई वगाई तो आज करके जाएगा क्योंकि ढीठ तो पूरा है वो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आकांक्षा सुन, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तेरे अंदर भी मेरे लिए वाला पागलपन है ना, देन कॉल मी, अदरवाइज यू नो मी। 6 घंटे हैं तेरे पास, 6 घंटे में जो बात करनी है वो बात कर लियो। मेरी बात सुन प्लीज। जो करना है करना है, अभी बात कर लेंगे। बोलना पिता, क्या कहना चाहती है? वो पापा मैं। हाँ बताओ बेटे क्या हुआ? मैं क्या हुआ बेटा, बोल बोल। मैं वो कह रही थी कि बोलिए ना कांक्षा जी, बोलिए बोलिए। क्या बात हो गई बताओ? पापा मैं बोल रही थी कि मैं किसी को के? मैं किसी को अरे है, कह रही है कि रिश्ता मंजूर है। अरे वो मीठा करो, वो मीठा करो। अच्छा खाइए खाइए, वो मीठा दीजिए। अरे खाइए क्या करता सर, मैं फ्लावर के बीचों बीच मेरी बाइक का टायर फट गया सर, मरते मरते बताऊं तो गाड़ी आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है। मुझे पता था सर आप भूखे बैठे हो, अपनी जान पे खेल के आपके लिए पिज्जा लाए सर। सर टिप तो बनते सर, किस चीज़ की टिप यार? सर टिप तो बनते, घर में खुशी का माहौल लग रहा है सर। सर अपनी खुशी से सर, सर आपके सर चेहरे में खुशी दिख रही है सर, टिप तो बनते हैं सर। नहीं यार कोई खुशी है, खुशी तो है सर आपके चेहरे में सर। सर मना सर मना, खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पे, खुशी दिख रही है।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड की अपने इस मुंह से शादी फिक्स कराई है किसी और के साथ। ओरी कुछ दिख रहा हूँ तेरे को मैं। और संदीप जी पिज़्ज़ा कौन कौन खाएगा? अरे एक मिनट यार, अरे भाई अपना चीता है, हेलो सर, सर आपका पिज़्ज़ा सर, सॉरी सर लेट हो गया, वो मेरी बाइक के पास फट गया। अरे सर आप, आपकी तो गर्लफ्रेंड की शादी।